छोटेपुर से जाकूनों में चीतों के लिए जगह कम पड़ गई है। अब मादा चीता आशा शिवपुरी जा पहुंची है। माधव नेशनल पार्क के बाहर निकली है आशा। शिवपुरी वन रेंज में आशा की लोकेशन मिली है। वन विभाग की टीम ट्रैक कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, शिवपुर से कूनो में चीतों के लिए जगह कम पड़ रही है। और जो मादा चीता आशा है वो भी बताया जा रहा है कि घूमते घूमते शिवपुरी जा पहुंची है। माधव नेशनल पार्क के बाहर निकली है आशा। शिवपुरी वन रेंज में आशा की लोकेशन ट्रेस की गई है और वन विभाग की टीम लगातार आशा चीता को ट्रेस कर रही है। तो कूनों से अब लगातार जो चीता हैं वो वन रेंज से बाहर निकल रहे हैं और अब शिवपुरी वन रेंज में जा पहुंची है आशा चीता। हालांकि वन विभाग लगातार ट्रेस चीते को कर रहा है और लगातार निगरानी भी बनाए हुए है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, शिवपुरी वन रेंज में पहुंची है आशा चीता। दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कहता है वन अमला इस मामले में? बिल्कुल, जहां तक आशा चीता की बात करें तो वो लगातार कूनो नेशनल पार्क के बाहर के इलाके में देखी जा रही है। पहले वो धोरेट सरकार बाबा के प्रसिद्ध मंदिर के जंगल के इलाके में थी, उसके बाद में विजयपुर के इलाके से होते हुए पोहरी बैराड के रास्ते उससे पूरी पहुंच गई थी। बीते दिनों वो माधव नेशनल पार्क के अंदर पहुंच गई थी, लेकिन अब वो बाहर आ गई है। हालांकि अभी भी जो शिवपुरी वन रेंज का इलाका है उसमें उसकी लोकेशन है और वनअमला लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए है ताकि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और कभी आवश्यकता पड़े तो उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके, इस तरह की तैयारी है। लेकिन ट्रैंकुलाइज जहां तक है, वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश है कि बेहद जरूरी होने पर ही ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, ऐसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे चीते को स्ट्रेस हो सकता है और निगरानी इसीलिए रखी जा रही है कि उससे कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और